की वाणी बोलिए, मन का आपाक होए और को औरों को भी शीतल करे, खुद भी शीतल हो। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविवार को गोरखपुर एयरपोर्ट से संत कबीरनगर प्रस्थान करने के पहले नंदा नगर में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार सबको भरमा कर कागज पर मेट्रो बना रही है। उनका साफ तौर पर निशाना सीएम योगी आदित्यनाथ पर था। आपको बता दें, साफ सुथरी सुरक्षित यात्रा मेट्रो में होती है। उन्होंने कहा, प्रदेश में जहां भी मेट्रो चल रही है सभी सपा सरकार की देन है, अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना था। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आप भी सुने। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपाक होए और को औरों को भी शीतल करे, खुद भी शीतल हो। तो मुख्यमंत्री जी को कम से कम अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। और ये सदन में भी मैंने कहा, केवल आप एक शब्द उठा रहे, लेकिन सदन में अगर पूरा भाषण देखेंगे आप। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। तो जानकारी हो जाएगी। जहाँ तक मिट्टी मिलाने की बात है, गोरखपुर के पिछले 5 साल के कार्यकाल के और इस साल का एक कार्यकाल का बहुत जल्दी क्राइम की बुक हम लोग जारी करेंगे। जो मुख्यमंत्री अपने यहाँ क्राइम न रोक पाता हो, हत्याएं न रोक पाता हो, लूट न रोक पाता हो, जिस तरीके से पुलिस बेईमानी कर रही है वो न रोक पाता हो, तो उससे क्या उम्मीद करोगे आपकी कार्य व्यवस्था बेहतर होगी। और फिर बात यही खत्म नहीं होती है, मुख्यमंत्री जी कार्यकारी डीजीपी से काम चला रहे हैं। एक डीजीपी रिटायर हो गया, कार्यकारी डीजीपी। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कार्यकारी डीजीपी डीजीपी नहीं बन पाए और रिटायर हो गए। अब दूसरे डीजीपी का यही नंबर है। और फिर जो डबल इंजन की बात कर रहे हैं आप, अखबार पढ़ा मैंने, कई जगह से सूचना मिल रही है कि दिल्ली की संस्था उत्तर प्रदेश के व्यापारी और गोरखपुर के व्यापारी का छापा मार रही है, और यूपी की एसटीएफ दिल्ली में छापा मार रही है। सोचो, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर जहाँ रहते हैं उसके आसपास के इलाके में इतनी सिक्योरिटी है, उसके बावजूद कोई उनका वाईफाई यूज कर रहा हो, धोखा दे रहा हो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, उनके नेताओं से मिलकर के धोखा दे रहा हो। तो दिल्ली की बड़ी बड़ी एजेंसियों को नहीं पता लगा ये कौन है, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को पता लग गया। और जैसे ही उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को पता लगा कि वहां पर कोई है, वैसे ही दिल्ली की एक संस्था को पता लग गया कि गोरखपुर में कर चोरी हो रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो डबल इंजन है वो आमने सामने टकरा रहे हों। क्या लग रहा है कि 2024 में किस तरह का मुकाबला होगा? 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अच्छा, इसलिए सफाया होगा, बार बार जो इसलिए सफाया होगा, ये $1 trillion economy, $1 trillion की इकोनॉमी कोई नहीं समझ पा रहा कि $1 trillion क्या है। और जो बीजेपी झूठ बोलती है उसको सच बनाने के लिए अमेरिका की कंपनी डिलॉयट को हायर किया है। सोचिए आप, जो झूठ बोल दिया जाएगा, जैसे बेरोजगारी दर 100 में 4 बेरोजगार हैं, हमारी जीडीपी 36% की ग्रोथ करेगी, तो ये जो झूठ बोले गए हैं उसको सच बनाने के लिए 200 करोड़ की डिलॉयट कंपनी को हायर किया है, जिससे कि झूठ बोला जाए उसको सच में बदल दिया। अगली जी, अभी आपने कहा है कि गोरखपुर में बरसात के महीने में पानी भर जाता है, ऐसे में अगर आपका मेयर बनता है तो बरसात के पानियों के लिए क्या उपाय करेंगे? देखिए, जहां समाजवादियों ने काम किया, अच्छा काम किया है, और हम लोग समझते हैं कि आखिरकार कैसे काम होना चाहिए। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो ये जल भराव की समस्या का समाधान होगा। अखिलेश जी, एक सवाल की लगातार माफिया की बात करती है सरकार, जब भी जनसभा होता है कहा जाता है कि मेरे पत्रकार साथी, आपके आसपास सच बोलने वालों को जेल भेज दिया जाता है। कोई पत्रकार साथी अगर सच खबर दिखा दे तो जेल जाता है, इलाहाबाद की घटना। सच बोलने वाला, और हमारे मुख्यमंत्री तो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, और मान लीजिए अगर वो मुकदमे वापस न होते तो सूची कितनी लंबी होती, और अगर सूची में गिना जाता है कौन कहाँ कैसे हैं जिन पे सबसे ज्यादा आपराधिक मामले हैं, तो सोचिए कहाँ पर नंबर होता उनका। कानून व्यवस्था बेहतर हो, माफियाओं पे न्याय कार्रवाई हो, लेकिन जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, जिस सरकार में कस्टोडियल डेथ नंबर 1,
अभी मैनपुरी में कस्टडी में मार दिया गया, इससे पहले कानपुर में मार दिया गया कस्टडी में, उससे पहले और जगह भी घटनाएं हुई हैं। तो क्या जवाब है सरकार के पास? और फिर क्या घटना रुक गई? आज ही गोरखपुर में अखबारों में छपा है कि एक बेटी जो चल करके आई थी बक्सर से, उसके साथ ही घटना हो गई, बलात्कार हुआ। और इससे पहले भी घटना हुई, कनपटी में रिवॉल्वर लगा करके उसके साथ छेड़खानी और घटना हुई। तो आखिरकार क्यों नहीं रुकना ये क्राइम? दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।